मुरादाबाद मुनापाणी थाना क्षेत्र के गांव सिरसखेड़ा बना गौवंश पशु के मीट के कारोबार का अड्डा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार गौवंश पशु को बचाने की लाख कोशिशें कर रही है, तो दूसरी ओर मीट के कारोबारी अवैध रूप से गौवंश पशु के मीट का कारोबार जमकर कर रहे हैं। मामला आज सुबह 6 बजे का है, जब थाना पुलिस गश्त कर रही थी तो अचानक सामने से आती सफेद रंग की पिकअप गाड़ी यूपी 21BN5827 संदेह होने पर रुका तो उसके अंदर लगभग 3 क्विंटल मीट भरा हुआ था। मीट को देखकर पुलिस के होश उड़ गए और जैसे ही पुलिस कुछ समझ पाती गाड़ी में सवार लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए, तो दूसरी ओर पशु चिकित्सक ने भी गौवंशीय पशुओं के मांस की पुष्टि की है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि गौवंशीय पशु का मीट नसीम उर्फ गजरा इमरान का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस जानकारी होने के बाद भी मामले को अज्ञात में रख रही है। मैं दलपतपुर पशु चिकित्सालय पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैडम ये जो मांस पकड़ा गया है, ये क्या मामला है? ये मामला है, ये गौवंशीय मांस है, ये पकड़ा गया है। ये लगभग 2.5 से 3 क्विंटल के आसपास मीट है जो पकड़ा गया है। कहाँ से आ रहा, कहाँ से इसकी तस्करी हुई? ये माल सिरसखेड़ा के नसीम उर्फ गजरा का बताया जा रहा है, जो कि कोहिनूर तिराहा के इमरान रफी डेरी के पास इनकी दुकानें हैं। मीट की 3 दुकानें चलती हैं, इन दुकानों पर सप्लाई। तो क्या मैडम आपको लगता है कि ये गोवंशीय पशु का मांस है? जी जी, ये गोवंशीय पशु का मांस है, लगभग 2 या 3 पशुओं का मांस है। इसमें खाल भी लगी हुई है, सफेद रंग की खाल लगी हुई है। आपको कितने सूचना दी कि मांस पकड़ा गया? जी पुलिस ने फोन किया था मेरे पास।